हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट रेंज दूधातोली दूध की तौली। उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला यह जंगल पांच नदियों का उद्गम स्थान है जो इसे बहुत ज़रूरी बनाता है एक लाइफ के लिए। दूधातोली की जितनी किस्से कहानियाँ सुनी जाए शायद कम हो। अनटच वर्जिन ब्यूटी कहा जाने वाला यह जंगल असल में इतना अनटच होगा कभी सोचा ना था। ऐसे ही कुछ बातों के साथ हम चल पड़े दूधातोली के स्नो ट्रैक पर। इस सफ़र में मेरे साथ थे रोहित, सुमित, अभिषेक, यश, रोशन और उसका मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग मणि। वेलकम टू माई ब्लॉग, माई नेम इज़ विकास नेगी। काफ़ी ऊपर तक आ गए हम और बर्फ़ पड़ने लग गई है, कभी पड़ रही है कभी रुक रही है, हल्की हल्की पड़ रही है। तो हमने एक स्पॉट यहाँ पे कोई एक जगह है पीछे यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद और ऊपर चलते हैं। अभी जा रहा हूँ मार्केट और रोहित और आ रहे हैं बैजरों से और उससे मिलते हैं, थोड़ा सामान सामान खरीदते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है तो इंतज़ार हो रहा है अभी स्टेशन पे। तो हीटर क्या प्लान है फिर? प्लान ये है कि भाई सामान लेने जाए, सामान सामान खरीदा जाए क्योंकि भाई वहाँ पे तीन दिन की कैंपिंग है तो राशन पानी सब कुछ लेना पड़ेगा। सो अब थोड़ा शॉपिंग करते हैं, पहले ATM जाना है, मैं पहले पैसे निकालने हैं, ATM भी जाना है। सामान की लिस्ट बहुत बड़ी लग रही है मेरे को तो। बड़ी है भाई। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक। आज ब्लॉग बन रहा है क्या? ब्लॉग भी बन रहा है। ला बैक और ये धास बाजार है, मतलब मार्केट है भैंसी का। यहाँ से हम कच्ची रोड से जाएंगे ऊपर की तरफ, गांव का नाम मरोड़ा, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ट्रैक। और तब तक के लिए थोड़ा और सामान ले रहे थे, वैसे हमने सामान ले लिया था पर कुछ कुछ चीज़ें तो छूट जाती है हमेशा, छोटी मोटी चीज़ें तो याद आती रही, हम खरीदते रहे। और फिलहाल अभी तो सामान उठा रखा है, क्या बोलेगा, पर फिर भी इतना सामान है, देख लो अभी क्या होगा कितना होगा पता लगेगा धीरे धीरे। और हम आज के लेबर हैं। अरे नहीं नहीं अभी करते हैं उसको एडजस्ट थोड़ा सा। भाई की तो ऐसे आफत आ गई थोड़ा बहुत, मतलब भाई के आ गए पसीने पसीने। हाँ तू भी ठीक है, मेरा तो ठीक है अभी। तो भाई फाइनली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और दो लोग और हमारे साथ आए हैं ट्रैक पे। लौंडे यार मिलते नौ मिनट पीछे रोशन, हाँ तो लौंडे का नाम है रोशन, रफ एंड टफ लौंडा। तो भाई लोग अभी बस स्टार्ट ही हुआ है हमारा ट्रैक, 5-6 किलोमीटर आ गए हम लगभग, शायद उससे कम होगा। तो स्पॉट देखो एक बार यार, मतलब जब स्मार्ट ट्रैक स्टार्ट हो रहा है और ऐसी लोकेशन मिल जाए तो मतलब एक मोटिवेशन बन जाता है, मज़ा आ जाता है।
और भाई अलग ही सीन है। अभी तो हम काफी हाइट पे पहुंच गए लगभग और बस चले ही जा रहे हैं। पीस आउट है, मजा है और आगे के नज़ारे कुछ अलग ही हैं। मतलब अभी हम जस्ट एक टॉप पे पहुंचे हैं, व्यू पॉइंट बोल सकते हैं। और भाई ये रहा दूधा तोली, सो गाइस वेलकम टू दूधा तोली। और यहाँ पे हम रात को थे, ये हो खरक, इन्हें खरक कहते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे खरक हैं, पूरी दूधा तोली में खरक ही खरक हैं, इसके लिए ये फेमस है। और ये भी भाई हमारे साथ कल से है, और ये सुमित भी थोड़ा सा बर्फ के नज़ारे लेते हुए। बट अभी यहाँ पे जो मतलब स्नोफॉल अभी की नहीं है, मतलब पहले की थोड़ी की, काफ़ी पहले की, तो अभी हमने देखी नहीं स्नोफॉल होते हुए लाइफ, पर ऐसा है कि शायद देखेंगे, इसीलिए आए थे। मतलब हमने चेक किया था मैप पे, तो मतलब मैप वेदर पे चेक किया था, तो ऐसा सीन आया था कि बर्फ़ बर्फ़ पड़ेगी। तो भाई लोग अब हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं पूरा होल दूधा तोली, कैसा सीन होता है देखते हैं। जैसे हमने सामान पैक सारा पैक कर लिया है, यहाँ से हमने बर्तन भी उठा लिया थोड़ा सा, तो आगे हमें मतलब इस टाइप का स्टे जहाँ पे भी मिलेगा हम रात को वहाँ पे स्टे करेंगे, और देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट थोड़ा सा एक्साइटेड है। लेट्स गो गाइस। हल्की हल्की बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, जैसे जैसे हम हाइट पे पहुँच रहे हैं, पर हम अब देखते हैं, अगर मतलब बारिश वरिश आती है तो कहीं पे स्टे करना पड़ेगा, पर यहाँ पे वैसे बारिश आएगी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बर्फ ही पड़ती है। काफ़ी ऊपर तक आ गए हम और बर्फ़ पड़ने लग गई है, कभी पड़ रही है कभी रुक रही है, हल्की हल्की पड़ रही है। तो हमने एक स्पॉट, यहाँ पे कोई एक जगह है, पीछे यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद और ऊपर चलते हैं। एक अलग ही सी मतलब जगह लग रही है। यहाँ पे रुके तो थोड़ा सा चाय चूई पी रहे हैं और बर्फ़ पड़ने लगी है हल्की हल्की सी। अब देखते हैं ऊपर चढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे। पहले एक थोड़ा स्टे खोज लेते हैं अपने लिए, उसके बाद देख लेंगे किस साइड पे जाते हैं, बट मज़ा आ रहा है। और भाई अब बर्फ़ बहुत तेज़ गिरने लगी है, बहुत तेज़, बढ़िया वाली बर्फ़ गिरने लगी है। तो फाइनली गाइज हमें एक स्टे मिला है वहाँ पे, जो भी दिख नहीं रहा है। इससे पहले हम सोच रहे थे कि हम खो गए, पर हम खोए नहीं, मतलब हमने कहा थोड़ा काम रहिए, कोई दिक्कत नहीं, खो भी गए होंगे तो क्या दिक्कत है। आगे के सीन कुछ ऐसे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है ना, जो मतलब उस टाइप का। और भाई अलास्का से कम नहीं है जगह, मैंने मतलब पहले भी बोलता था सबसे, पर सच में यार मतलब वैसे तो मैं कंपेयर करूँगा नहीं इसको अलास्का से किसी भी चीज़ से, दूधा तोली का एक अपना फील है, अपना एक वजूद है, तो कंपेयर तो नहीं कर सकता। बट यार धीरे धीरे हमारा स्टे आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दूधा तोली। और भाई कल का ऐसा सीन हो गया था कि पानी की दिक्कत हो गई थी, पानी के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा था, और फिर आग वाग भी जलाई। तो भाई इस टाइम पे कुछ ऐसे सीन है, सनराइज़ होने वाला है लगभग, हो गया, मतलब इस साइड से दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेड़ फूड है, पर ना यहाँ से होता है सनराइज़ और इधर के लिए सनसेट होता है। बट एक बार सीन देख लो आगे के,
तो भाई अब चलते पानी के लिए आगे की तरफ। पर आज एक चीज़ बढ़िया है, आज मौसम खुला सा है तो आज कुछ अच्छा हो सकता है। आज भी अगर ऐसी साफ रहा, बाई चांस अगर मौसम साफ रहा तो हम आगे भी एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं, और अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा और अपना दूधा तोरी का ये जो ट्रैक था आधा छोड़ना पड़ेगा। बट लेट्स सी, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। हम पानी के लिए जा रहे हैं, पानी के लिए वहाँ जाना है, हमें डाउन पे जाना है, पर थोड़ा बर्फ़ है तो आराम आराम से चलते हैं थोड़ा। तो भाई आप चल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं थोड़ा आगे और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है क्या है। पर बाकी बर्फ़ तो पड़ी हुई है काफ़ी, पर आज मौसम बढ़िया और का है, धूप भी आ रही बार बार जा रही आ रही है तो ठीक है। वैसे तो हमारा प्लान इससे ऊपर जाने का था, बहुत ऊपर इसके टॉप तक जाने का था, बट हो नहीं पाया। कोई नहीं, पर एक दिन आएंगे फिर से। और फिलहाल मजे है, मतलब सीन कुछ ऐसे है। तो भाई ये पेड़ इस पूरे जंगल का सबसे मोटा पेड़ है, मतलब बड़ा भी कह सकते हैं। अब तो ही सड़ गया पूरा, पर भाई पेड़ तो खतरनाक है यार। एक और लोकेशन पे पहुंच गए हम, वैसे तो खैर यहाँ सारा जंगल ही ऐसा है कि भाई स्पॉट है, लोकेशन है, पर ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था मेरे को। क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स सी, हाँ ये भालू के जैसे नहीं दिखता ज्यादा। ए भालू, काट लेगा मेरे को। ए भालू, भालू। बर्फ भी पड़ने वाली है फिर से, ऐसा लगता है मौसम खराब हो गया। जस्ट आगे से मौसम खराब हो गया है, पर हम यहाँ पे अभी स्टे करेंगे इस वाले खरक पे। हम अपने जो ये थी हमारी जगह, अपनी लोकेशन थी, वहाँ पे पहुँच गए, पर फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, बढ़िया हो गया। अब थोड़ा अंदर बैठते हैं, चाय चू बनाते हैं, सूप बनाते हैं, उसके बाद का देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। सो भाई लोग, अजीब ही हो रखा है मौसम, मतलब उस साइड धूप आ रखी है, यहाँ भी धूप आ रखी है, साफ हो रखा है मौसम, पर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रही है हल्की हल्की सी। तो यहाँ से हम चलते हैं घर की तरफ, और बहुत प्यारी जगह थी यार, मतलब मज़ा आ गया। एक होती है ना किसी जगह में एक वाइब होती है, तो यहाँ पे मैंने फील किया मतलब कि वाइब है मतलब यहाँ पे। तो या, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मतलब अच्छा लगे तो ही कर देना, और बाकी पीस आउट एंड चिल आउट है।